भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अलिम्को द्वारा निर्मित कान की मशीन का परिचय आपको दिया जा रहा है। जिन लोगों की सुनने की शक्ति कमजोर है उन सभी भाइयों और बहनों को सशक्त करने के लिए अलिम्को ने आधुनिक तकनीक तथा गहन शोध के बाद विश्व स्तरीय गुणवत्ता की कान के पीछे लगाई जाने वाली कान की मशीन का निर्माण किया है, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लाइसेंस प्राप्त है। पहले डब्बे को ऊपर लगे कागज से अंगूठे के द्वारा बाहर निकालें। डब्बे को खोलने के लिए गहरे नीले बटन को नीचे की तरफ दबाएं तथा डब्बे को ऊपरी हिस्से के द्वारा खोलें। इस डब्बे के अंदर एक कान की मशीन, तीन प्रकार की ईयर टिप, एक बैटरी तथा एक उपयोगकर्ता पुस्तिका रखी गई है। सिलिकॉन से बनी तीन ईयर टिप में से अपने कान के नाप के अनुसार एक को चुनें तथा उसकी ट्यूब की लंबाई को कान के नाप के हिसाब से कैंची के द्वारा काट लें। कान की मशीन के ईयर हुक में इस ईयर टिप की ट्यूब को फिट करें। इसे दाएं या बाएं कान के अनुसार घुमा सकते हैं। कान की मशीन को चालू करने के लिए दिए गए बैटरी के ऊपर लगी स्ट्रिप को हटाएं तथा बैटरी को लगभग एक मिनट तक इसी अवस्था में रखें, जिससे बैटरी पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाए। कान की मशीन के बैटरी डोर द्वारा ही इसको चालू या बंद किया जाता है। कान की मशीन के बैटरी डोर को अंगूठे के द्वारा बाहर ढकेलते हुए खोलें। बैटरी के प्लस चिन्ह तथा बैटरी डोर पर अंकित प्लस चिन्ह को ध्यान में रखते हुए बैटरी को लगाएं। अंगूठे द्वारा बैटरी डोर को पुनः बंद कर दें। यह कान की मशीन अब चालू अवस्था में है। कान की मशीन को बंद करने के लिए अंगूठे द्वारा बैटरी डोर को खोला जाता है। कान की मशीन के साथ में दिए गए बैटरी स्ट्रिप से बैटरी को दिए गए विंडो से आसानी से निकाला जाता है। आइए अब आपको कान की मशीन में दिए गए रॉकर स्विच एवं पुश बटन की जानकारी देते हैं। कान की मशीन से आने वाली आवाज को अपनी सुविधा अनुसार तेज तथा धीमा करने के लिए रॉकर स्विच को दबाया जाता है। कान की मशीन को चालू करने पर यह अपने आप ही सामान्य मोड में कार्य करता है। मोबाइल फोन पर बात करने के लिए दिए गए पुश बटन को एक बार दबाया जाता है। पुश बटन को दोबारा दबाने पर यह पुनः सामान्य मोड में कार्य करता है। कान की मशीन को कान में फिट करते समय कभी कभी अनचाही सीटी या विस्लिंग वॉइस सुनाई देती है। कान के पास से हाथ हटाने के पश्चात यह स्वतः ही बंद हो जाती है। कान की मशीन के ट्रिमर कक्ष में दो कंट्रोल दिए गए हैं, जिसको एक पेचकस द्वारा न्यूनतम से अधिकतम अवस्था तक व्यवस्थित किया जाता है। इस व्यवस्था के द्वारा आप भीड़भाड़ या शोर वाले स्थान पर अपने कान की मशीन को आवश्यकता अनुसार व्यवस्थित कर सकते हैं। यह कान की मशीन एक संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसका रखरखाव बहुत ही आवश्यक है। कान की मशीन को बहुत ही ठंडे, गर्म एवं गीले स्थानों पर नहीं रखना चाहिए। नहाते समय मशीन का उपयोग न करें। कान की मशीन को पहन कर न सोएं। उपयोग के समय हेयर स्प्रे का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कान की मशीन के ईयर टिप की ट्यूब न मुड़े, इसका विशेष ध्यान रखें। प्रयोग में न होने पर कान की मशीन को बंद करके अर्थात बैटरी कक्ष को खोल कर ही दिए गए डब्बे में रखें। यदि कान की मशीन काम नहीं कर रही है तो यह सुनिश्चित करें कि बैटरी कक्ष सही ढंग से बंद है। ईयर टिप तथा इसकी ट्यूब को साफ करें। यदि कान की मशीन से धीमी आवाज आ रही है तो बैटरी को बदलें। इस कान की मशीन को अपने आप द्वारा मरम्मत नहीं करना चाहिए। इसे
इसके विशेषज्ञ या विक्रेता से मिलकर ही मरम्मत करवाएं। इस कान की मशीन को अलिम्को के द्वारा 12 माह की वारंटी भी प्रदान की जाती है, जो कि खरीद तिथि से प्रारंभ होती है। अधिक जानकारी तथा अपने कान की मशीन से संबंधित कोई भी समस्या के निदान के लिए अलिम्को के टोल फ्री नंबर 1800 180 5129 पर संपर्क करें।